वेस्ट बंगाल असेंबली में आज एक बिल पास हुआ जिसमें ये बोला गया कि हर साल 15 अप्रैल यानी बंगाली न्यू ईयर पहला बैशाख के दिन हर साल वेस्ट बंगाल डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसका कि पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है बीजेपी यानी वेस्ट बंगाल की ऑपोजिशन पार्टी। बीजेपी बोल रही है कि हमें 15 अप्रैल नहीं 20 जून को वेस्ट बंगाल डे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि 20 जून 1947 को बंगाल असेंबली में वोटिंग हुआ था और वोटिंग के जरिए तय हुआ था कि बंगाल का विभाजन होगा, ईस्ट बंगाल जाएगा पाकिस्तान में और वेस्ट बंगाल रहेगा इंडिया में। पर दोस्तों, ममता बनर्जी का ये मानना है कि सबसे परफेक्ट डे वेस्ट बंगाल डे के लिए है पहला बैशाख, जब बंगालीज का न्यू ईयर होता है। पर दोस्तों, एक बात से दोनों ही पार्टी सहमत है कि वेस्ट बंगाल का जो नेशनल सॉन्ग होगा वो होगा बांग्लार माटी बांग्लार जॉल, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। पर दोस्तों, क्या बंगाल का विभाजन इतना ही आसान था? नहीं दोस्तों। अगर एक व्यक्ति जिनका नाम गोपाल मुखर्जी, जिनको कि प्यार से गोपाल पाठा भी बुलाया जाता है, अगर वो व्यक्ति ना होता तो आज कोलकाता इंडिया में नहीं होता, आज कोलकाता पाकिस्तान में होता, या फिर हम कहें तो बांग्लादेश में होता। खाली कोलकाता ही नहीं, वेस्ट बंगाल के जितने बड़े शहर थे वो सारे आज बांग्लादेश या फिर उस समय के पाकिस्तान में चले जाते अगर ये एक व्यक्ति खड़ा नहीं होता तो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको गोपाल मुखर्जी यानी गोपाल पाठा की ही कहानी सुनाने वाला हूँ कि कैसे गोपाल पाठा ने कोलकाता को बचा लिया था और कोलकाता आज वेस्ट बंगाल में उन्हीं की वजह से है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे बंगाल में धर्म की राजनीति स्टार्ट हुई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आया था, कांग्रेस के साथ कैसे विवाद हुआ था और मोहम्मद अली जिन्ना कैसे नेहरू से चिढ़ गए थे। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पूरा बंगाल चला जाए पाकिस्तान में और जवाहरलाल नेहरू इसको नहीं होने देना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के विभाजन के ही खिलाफ थे, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना चिढ़ गए थे और चिढ़ के 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने कोलकाता में। इसी बात से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने स्पीच में जितने भी मुस्लिम्स थे कोलकाता और कोलकाता के आसपास, उनको इमोशनली उकसाया था कि हमको भी लड़ाई लड़नी है। जिसके बाद उस समय जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे सोहरावर्दी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 16 अगस्त को पूरे बंगाल में छुट्टी का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, कांग्रेस ने बोला कि अगर आप 16 अगस्त को, जिस दिन जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया है, उस दिन अगर छुट्टी हो जाएगी तो जितने भी बेकार व्यक्ति है वो सारे घर से निकल के दंगा करना शुरू कर देंगे। पर सोहरावर्दी का मकसद ही यही था। सोहरावर्दी ने इससे पहले क्या किया कि जितने भी कोलकाता पुलिस में बंगालीज थे, हिंदू बंगालीज थे, उन सबको निकाल दिया और उनकी जगह पुलिस फोर्स में सारे मुस्लिम्स को रख दिया, ताकि जब डायरेक्ट एक्शन डे के दिन दंगा हो तो कोई भी बीच में ना आए, कोई भी पुलिस बीच में ना आए। यहाँ तक कि जो लाल बाजार पुलिस स्टेशन है, कोलकाता का सबसे फेमस पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे सोहरावर्दी बैठे हुए थे और सबको वहाँ से ही ऑर्डर्स दे रहे थे कि एक भी पुलिस वाला दंगों के बीच में नहीं जाना चाहिए। 16 अगस्त 1946 को फ्राइडे भी था, जिसकी वजह से मुस्लिम्स का नमाज का भी दिन था और सब लोग इकट्ठा हुए और जितने भी मौलवी थे, सोहरावर्दी थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने स्पीच देना शुरू किया। अगर दोस्तों हम न्यूज़ एजेंसीज की बात करें तो कम से कम 1 लाख से 5 लाख मुस्लिम्स एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। सोहरावर्दी का ये लिखित बयान है, अभी तक डॉक्यूमेंट में है, कि सोहरावर्दी ने कहा था कि अगर हमको कोलकाता अपने कब्जे में लेना है तो कोलकाता से हिंदुओं को भगाना होगा, जिसके लिए हमको डायरेक्ट एक्शन करना ही पड़ेगा। उस समय भी दोस्तों कोलकाता में 73% हिंदू थे और 20% मुस्लिम्स थे। पर दोस्तों फर्क यहाँ पे हो गया कि पूरा जो पॉलिटिकल कंट्रोल था कोलकाता में वो मुस्लिम्स के हाथ में था, जितने भी हथियार थे मुस्लिम्स को वो सोहरावर्दी और उनकी सरकार द्वारा दिए गए थे। ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, ये सब कुछ प्रेस, जो इंडिया के स्पेशल एजेंसीज है, उन सब के बयान में ये लिखा गया है, या तक कि आप विकिपीडिया में भी ये पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे का जो असर था वो शाम से दिखना शुरू हुआ, जब सारी दुकानें बंद थी, पर कुछ जो हिंदू बंगालीज थे उन्होंने प्रोटेस्ट में अपनी दुकानें खोलना शुरू किया, जैसे कि बड़ो बाजार में और भी ऐसे कई सारे मार्केट्स में अपने दुकानें खोलना शुरू किया प्रोटेस्ट में। वहाँ से दंगे शुरू हुए, जितने भी मुस्लिम लीग के इन्फ्लुएंस में मुस्लिम्स थे वो सारे तलवार,
आयरन रॉड्स ये सब उठा के दुकानों पे हमला करने लगे और लोगों को मारने लगे। कम से कम 4,000 से 5,000 हिंदुओं को मारा गया 16 अगस्त को ही। और 17 अगस्त को मेटिया ब्रूस के इलाके में एक कॉटन मिल था, वहां पे हमला किया गया और वहां पे कम से कम 1,000 से ज्यादा हिंदुओं को मारा गया उस कॉटन मिल में। जिसके बाद क्या हुआ कि कोलकाता से जो बंगाली हिंदू थे वो भागने लगे, वो कोलकाता छोड़ के जाने लगे और सोहरावर्दी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए थे कि अब तो कोलकाता पाकिस्तान में ही मिलेगा, क्योंकि वहां पे मुस्लिम डोमिनेंस हो गया था बिल्कुल। जब दोस्तों बंगाली हिंदू भाग रहे थे तो उसमें से एक बंगाली खड़ा हुआ जिसका नाम था गोपाल मुखर्जी। गोपाल मुखर्जी की मटन की दुकान थी और इसीलिए उनको गोपाल पाठा भी बोला जाता था। गोपाल पाठा एक रेसलर थे, बहुत ही हिम्मत वाले आदमी थे और उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, उनके सारे दोस्त रेसलिंग किया करते थे। गोपाल पाठा ने जब ये देखा कि हिंदुओं को मारा जा रहा है तो उन्होंने कहा कि भाई रेसलिंग वेस्लिंग सीख के क्या फायदा जब मैं अपने कम्युनिटी को डिफेंड ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोलकाता के सारे रेसलर्स को इकट्ठा किया, उन्होंने कोलकाता के जितने भी थोड़े ताकतवर पावरफुल लड़के थे, यूथ थे, सबको इकट्ठा किया और सबको बोलना शुरू किया कि हम लोग मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे और हम लोग रिटेलिएट करेंगे। कोलकाता में जितने भी दूध वाले, सब्जी वाले, जो स्पोर्ट्स खेला करते थे, जो आर्मी में थे, जो पुलिस वाले थे, उन सबको इकट्ठा किया, जो थोड़े पावरफुल थे उन सबको इकट्ठा किया, पूरे यूथ को एक साथ लाए। इसके बाद जिन जिन लोगों को हथियार बनाना आता था उनको बोला कि आप रातों रात पूरी रात बैठ के आप लोग हमारे लिए हथियार बनाओगे। तो जितने भी बंगालीज को हथियार बनाना आता था उन्होंने पूरी रात बैठ के तलवारें, रॉड्स ये सब बनाने शुरू किए। गोपाल पाठा का ये जज्बा देख के यूपी और बिहार से भी लोग जुड़ने लगे और कोलकाता में जो सिख थे, जो सरदार थे, वो भी गोपाल पाठा के साथ जुड़ने लगे। उसके बाद आया 18 अगस्त। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को लगा कि जैसे 16 और 17 अगस्त को उन्होंने कत्लेआम मचाया था, 18 अगस्त को भी कत्लेआम मचाएंगे। उन्होंने क्या किया कि हिंदू डोमिनेंट एरियाज पे उन्होंने हमला करना शुरू किया, पर वहां पे गोपाल पाठा पहले ही अपनी सेना लेके तैयार थे। गोपाल पाठा ने रिटेलिएट किया, गोपाल पाठा ने डिफेंड किया हिंदू डोमिनेटेड एरियाज को और जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लोग थे उनको वहां से खदेड़ दिया गया। गोपाल पाठा यहाँ भी चुप नहीं रहे, गोपाल पाठा ने मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में जाके भी वहां पे भी अटैक्स किए और बिल्कुल दबा दिया सोहरावर्दी का जो प्लान था वो बिल्कुल निस्तनाबूद कर दिया। गोपाल पाठा का जो अटैक है ये कई दिन तक चला, जिसके बाद सोहरावर्दी को हार माननी पड़ी। पर उस इंसिडेंट के बाद कोलकाता में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन सिर्फ 12% रह गई, बाकी सारे ईस्ट बंगाल में चले गए। जिसके बाद सोहरावर्दी और मोहम्मद अली जिन्ना को हार माननी पड़ी और उन्होंने कांग्रेस से कहा आओ भाई अब बैठ के बात करते हैं। इसके बाद 1947 में बंगाल लेजिस्लेटिव में इलेक्शंस हुए, वहां पे वोटिंग हुई और पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल इंडिया में रह गया और ईस्ट बंगाल चला गया पाकिस्तान में। अगर दोस्तों गोपाल पाठा उस दिन एक्शन नहीं लेते, खड़े नहीं होते, तो आज कोलकाता समेत कई बड़े शहर चले गए होते पाकिस्तान में। पर दोस्तों शायद ही गोपाल पाठा का नाम वेस्ट बंगाल से बाहर कोई भी जानता होगा। हमें ज़रूरत है हमारे इतिहास को थोड़ा खंगालने की और ऐसे व्यक्तियों के बारे में थोड़ा जानने की। तो बंगाल डे कभी भी हो, 15 अप्रैल को हो या 20 जून को, पर बंगाल के लिए या इंडिया के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए उनको हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। जय हिंद।